हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर यशस्वी एंड आयुर्वेदा एक्सपर्ट एट युक्ति हर्ब्स। सो आज बात करते हैं सबसे कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, ब्लोटिंग। तो व्हाट इज ब्लोटिंग? इट्स एक्चुअली अक्यूमुलेशन ऑफ गैस इन योर स्टमक। और ये किस किस रीजंस की वजह से होता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले, ज़्यादा ओवर ईटिंग करने से, या फिर कुछ एक्स्ट्रा जंक फूड खाने से, या फिर कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो आप पीते हो उनको पीने से। तो ये सारी रीजंस की वजह से आपके पेट में गैस आ जाती है, जिसकी वजह से आप ब्लोटेड फील करते हो। इसमें होता क्या है, बेसिकली अबडोमिन में गर्गलिंग साउंड होती है। इसके अलावा इसमें एबडोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है और एबडोमिनल पेन होती है। आयुर्वेद में इसको आधमान कहा जाता है और ये एक वातज व्याधि में कंसीडर किया जाता है। इसमें आपकी जो पाचन शक्ति है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से आप खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो कुछ होम रेमेडीज हैं जो आप घर बैठे बैठे ब्लोटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट आता है निदान परिवर्जन का, जिसमें जो कॉजेज ब्लोटिंग कॉज करते हैं वो आप अवॉइड कर सकते हो कम्प्लीटली। ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी है, ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं पीनी है बिल्कुल भी। इसके अलावा आप स्किप करते हो मील्स या फिर स्टार्व करते हो बिकॉज ऑफ लूजिंग वेट कॉन्सेप्ट, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। रादर आप अपनी मील को स्मॉल पोर्शन में डिवाइड करिए और थोड़े थोड़े टाइम के बाद आप उसको खाइए, और तभी खाना जब आप थोड़े आपको भूख लगती हो। इसके अलावा कुछ आसन है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइक आयुर्वेद में एक आसन है पवन मुक्त आसन, जिसका मतलब होता है कि पवन एंड मुक्त। पवन का मतलब हवा और मुक्त का मतलब रिलीज। तो इसकी वजह से तो ये आसन जो है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है ब्लोटिंग में। इसके अलावा वज्रासन भी आप यूज़ कर सकते हो खाना खाने के बाद। इसके अलावा आप हींग को छाछ में डालकर रोज़ पिए, उससे आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है, जिससे आपकी ब्लोटिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स, इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाता है। इसके अलावा आप अजवाइन, सौंफ और जीरा को एक ग्लास पानी में उबालकर उसको रोज़ पी सकते हैं खाना खाने के बाद, इससे भी ब्लोटिंग में काफ़ी फ़र्क मिलता है। इसके अलावा परफेक्ट डाइजेस्टर जो युक्ति हर्ब का है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। परफेक्ट डाइजेस्टर में हमने ये जीरा, अजवाइन, सौंफ, नीम सत्व, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो कि पाचन शक्ति बढ़ाते हैं उनको कंबाइन करा हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले हैं। और पेशेंट खुद आकर हमें बताते हैं कि ये ब्लोटिंग में, इनडाइजेशन में, कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी इफेक्टिव रेमेडीज। तो और जानकारी के लिए युक्ति हर्ब को ज़रूर सब्सक्राइब करें।